Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. See question 11. Question is, convert the following discontinuous class interval, ये discontinuous class interval जो आपको दिए हुए हैं, इन्हें convert करना है into continuous class interval में. Discontinuous class interval को हम क्या कहते हैं? Inclusive class interval भी कहते हैं. और continuous class interval को क्या कहते हैं? Exclusive class interval भी कहते हैं. तो ये naming ध्यान रखिएगा. अब आपको यहाँ पे continuous बनाना है, तो continuous बनाने के लिए आप देखिए कितने कितने का यहाँ पर difference आ रहा है. पहली class 6 पे end हो रही है और दूसरी class 7 पे. कंटिन्यूस के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होती है. अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, वन वन का डिफरेंस आ रहा है. कितने का डिफरेंस है? वन का डिफरेंस. अब इस वन का हाफ कर दें, आप जितने का भी डिफरेंस होता है उतने का हाफ कर दें, तो वन का हाफ क्या होगा? वन बाय टू हाफ करने पे. और वन बाय टू अब आप क्या करेंगे, वन बाय टू जो है यहाँ पर माइनस करेंगे इधर वाले सारी लोअर लिमिट्स में और सब अपर लिमिट्स में प्लस कर देंगे. तो जितने का डिफरेंस हो उतने का हाफ लोअर लिमिट्स में माइनस अपर लिमिट में प्लस करना है. अब मैं इसे प्रॉपरली बता देता हूं आंसर में. सिंस डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास की, या आप यहां पे लिखे कौन द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज वन. देयरफोर एड हाफ, वन का हाफ, एड हाफ टू ऑल अपर क्लास लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट हाफ टू ऑल लोअर क्लास लिमिट्स से सब्ट्रैक्ट करें. अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्लास इंटरवल जो आ जाएगा, क्लास इंटरवल मैं आपको बता देता हूं. क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा, पहला क्लास इंटरवल क्या है, 1 to 6, 1 से 6, फिर है 7 to 12, फिर है 13 to 18 एंड देन 19 to 24, देन है 19 to 24. तो ये क्या आ जाएगा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में. अब मैं इसे लिख देता हूं, 1 में से हाफ माइनस होगा तो 0.5, 7 में से हाफ माइनस होगा तो 6.5, 13 में से हाफ माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 12.5, 19 में से हाफ माइनस होगा 18.5. और अब सारी अपर लिमिट में प्लस कीजिए, 6 में प्लस होगा 6.5 हो जाएगा, 12 में 0.5 प्लस होगा तो 12.5, 18 में होगा तो 18.5, 24 में होगा तो 24.5. तो नाउ यू कैन सी दैट डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई.